और भैया जी ये देखो यही भैया लोग हैं जो मेहनत करके हर साल इतना सुंदर सा पंडाल बनाते हैं। भगवान राम केवट दर्शाए हुए हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं। गाइस तो यहाँ पे है सीता हरण, भगवान राम सबरी यहाँ पे पक्कू भी दर्शाए हुए हैं, मेघनाथ यज्ञ करके लिखा हुआ है, यहाँ पे सीता मैया बैठी हुई। गाइस वेलकम बैक व्लॉग चैनल पे, फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस तो अभी हम रायपुर से लगभग 10 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। इस जगह का नाम है घुघवा, ये गांव है, गांव के लोग मिलकर यहाँ पे झांकी बनाते हैं, तो आप लोगों को हम दिखलाते हैं। और हमारे मित्र लोग भी आ चुके हैं, देखो वो सब वीडियो बनाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। और प्यारा सा ये गेट बना के रखे, ऊपर में देखो बंदा लोग डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। अंदर चलेंगे, ये पूरी बस्ती है गांव वाले लोगों का, ये देखो। अच्छा दुर्ग जिले में आता है? हाँ अच्छा गुगवा गांव दुर्ग जिले में आता, क्या बात है भाई, बढ़िया यार। चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं झांकी। गाड़ी हमने वहीं पे रख दिया है, पैदल पैदल निकल रहे हैं झांकी के लिए, पास में ही है। और थोड़ा सा पैदल चलना भी सेहत के लिए लाभदायक होता है। और ये देखो पूरे जितने भी घर दिख रहे हैं ना, हम मिलकर यहाँ पे झांकी खुद से बनाते हैं, कोई यहाँ पे कारीगर आता नहीं है बनाने के लिए। और यहाँ भी पंडाल सजा हुआ है, तो मानना पड़ेगा यार कि इतने सारे लोग मिल के, यानी कि पूरे गांव के लोग मिल के इतना शानदार सा झांकी बनाते हैं, जिसे दिखाने के लिए हम अभी जा रहे हैं। देखते हैं, पिछले बार तो भूत वाला झांकी बना हुआ था, इस बार राम वन गमन झांकी बना हुआ है। खेल की बारिश भी हो रही है और यहाँ पे लोग डीजे बजा रहे, क्या बजा रहे हैं देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पे हनुमान जी लटके हुए हैं और सामने में दिख रहा है झांकी। और यहाँ पे कार्यक्रम भी हो रहे लगता है, भैया लोग बता रहे थे क्या जगराता है, तो यहाँ पे गाना बजाना सब चले गए। और हम लोग आज पहुँच गए हैं घुघवा आप लोगों को पंडाल दिखाने के लिए। और भैया जी ये देखो यही भैया लोग हैं जो मेहनत करके हर साल इतना सुंदर सा पंडाल बनाते हैं। तो यहाँ पे भाई लोग राम वनवास झांकी बनाए हुए हैं, चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे झांकी को खुद से बनाए हुए हैं हर साल की तरह इस बार भी। और बाहर में देख रहे हैं इतना ज़बरदस्त यहाँ पे राक्षस बना हुआ है और नाम भी लिखे हुए हैं बढ़िया सा, तो जूते चप्पल उतार के जाना पड़ेगा अपने को। गाइस तो चलो अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखलाते हैं झांकियाँ किस तरह से गांव वाले लोग मिलकर बनाए हुए हैं झांकी। यहाँ पे सीढ़ी दी गई है जिसके माध्यम से आप ऊपर चढ़ पाएंगे, हालांकि इसको बनाया गया है और नंगे पैर में थोड़ा सा चुभ रहा है कि ये लकड़ी का बना हुआ है भाई। ओ भाई साहब ये देखो इस तरह से, इसके बाद देखते हैं ये लोग किस तरह से कैसे जुगाड़ कर करके भाई लोग बनाए हुए हैं। वाह क्या बात है, यहाँ पे भगवान राम केवट दर्शाए हुए हैं, पूजा का थाली पकड़े हुए हैं और यहाँ पे राम भगवान जी हैं और यहाँ पे एक नाव भी है, राम केवट करके लिखा हुआ है। देखो इतने सारे लोग आ रहे हैं झांकी देखने के लिए। देखो यहाँ पे कितना सुंदर सा झांकी बनाए हुए हैं गांव वाले लोग मिलकर। और अभी दूसरा झांकी देखते हैं आगे बढ़ के, देख रहे हो गांव वाले लोग क्या बेहतरीन बना के रखे हुए हैं। अभी मैं आप लोगों को राम केवट दिखा रहा था और देखो इस तरह से सजावट करे हुए हैं, वहीं से आपको आना है। और इसके बाद में गाइस तो यहाँ पे है सीता हरण, तो यहाँ पे बखूबी दर्शाए हुए हैं सीता हरण किस तरह से हुआ था, आप तो रामायण देखे होंगे। और ये देखो यहाँ पे ये मस्त मूवमेंट कर रहा है, तो गांव वाले लोग अपने पैसे खर्च करके ये सब चीज़ें को मंगा कर इतना सुंदर सा यहाँ पे सीता हरण दर्शाए हुए हैं। हर साल की तरह इस बार भी बहुत खूबसूरत सा झांकी बना हुआ है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं आगे का झांकी। अच्छा यहाँ पर हमारे गणपति महाराज जी, गाइस तो यहाँ पर है हमारे गणपति महाराज जी, तो घर बैठे दर्शन करिए। और देखो कितना सुंदर सा सजाए हुए हैं, बहुत प्यारा सजा हुआ है। गाइस तो जैसे आप गणपति महाराज जी का दर्शन करेंगे आप लोगों को, देखो यहाँ पे भी बहुत प्यारा सा सजा के रखे हुए हैं और यहाँ पे लिखा है भगवान राम सबरी, तो यहाँ पे माता सबरी राम भगवान को अपने झूठे बैर खिलाते हैं, तो यहाँ पे ये दर्शाए हुए हैं। और ये उनकी कुटिया भी है, तो देखो कितना सुंदर सा बना के रखे हुए हैं भाई।
तारीफ के लायक है। आपको ये कैसा लग रहा है? अगर आप भी ये झांकी देखना चाहते हैं तो आपको घुघवा आना पड़ेगा। भाटा गांव से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है घुघवा। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे का झांकी देखते हैं। और ये गणपति महाराज जी हैं। देन यहाँ पे सीता हरण आप लोगों को मैंने दिखाया है, और यहाँ से आप झांकी भी देख पाएंगे, नेक्स्ट झांकी देख पाएंगे आप। तो देखते हैं गाइस, तो अभी हम लंका प्रवेश में प्रवेश कर चुके हैं, और यहाँ पर है भगवान रामेश्वर। ये देखो कितना सुंदर बना के रखे हुए हैं, और यहाँ पे बखूबी दर्शाए हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे राम सेतु भी है। यहाँ पे निर्माण कार्य दिखाया गया है कि किस तरह से राम सेतु में पत्थर को फेंकते हैं तब जाके श्रीलंका पहुँच पाते हैं राम भगवान और उनके जितने भी सैनिक हैं, और स्थापित करते हैं शिवलिंग और उनकी पूजा अर्चना करते हैं ताकि उनके जो पत्थर है वो समुद्र में ना डूबे करके। बखूबी दर्शाए हुए हैं। और मानना पड़ेगा भाई लोगों को कि इन लोग ना अपने खुद के पैसे से इतना सुंदर सा झांकी बना के रखे हुए हैं। देख सकते हैं ये बोरे हैं, इसका शिवलिंग बना के रखे, बोरे हो गए, रेत हो गए। और ये भी देख रहे हैं, ये देखो ये भी बोरी वगैरह बोलते हैं अपन, है ना। तो इस तरह से हम लोग जुगाड़ करके इतना सुंदर सा झांकी बनाया है। अगर इनके पास में पैसा होता तो सोचिए कितना अच्छा सा झांकी बनाते हैं। तो ठीक है, अभी हम दूसरा झांकी देखते हैं। ये देखो इस तरह से यहाँ भी बखूबी झांकी बना हुआ है, मेघनाथ यज्ञ करके लिखा हुआ है, और यहाँ पे देवी निकुम्बला। तो ये भी देखिए भाई साहब, यहाँ पे त्रिशूल लिए हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है लेकिन फिर भी भाई देख लो कितना ज़बरदस्त बना हुए हैं झांकी, और इनके हाथ पर भी कटे हुए हैं, ज़बरदस्त लग रहा है ये वाला झांकी। दरवाजा है, इससे हम और आगे बढ़ते हैं। इस तरह से खुफिया रास्ता है, देख लो कितना ज़बरदस्त बना के रखे हुए हैं भाई, मानना पड़ेगा यार। मैं तो वही सोच रहा हूँ अगर इनके पास में पैसा होता तो कितने अच्छे से और बना सकते थे, हुनर इनके पास में बहुत ज़्यादा है। तो अभी देखते हैं। अच्छा यहाँ पे अरे अशोक वाटिका, तो भाई बताते अशोक वाटिका। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं अशोक वाटिका। ये देखो यहाँ पे सीता मैया बैठी हुई है, और हनुमान पता लगाने के लिए आते हैं अशोक वाटिका, माता सीता कहाँ पर है। ऐसा लग रहा है झांकी, कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई लोग की मेहनत कैसी लग रही है, ये भी मुझे बताइएगा। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है हनुमान लंका दहन, हाँ ये हनुमान लंका दहन दर्शाए हुए हैं। हनुमान जी ऊपर लटके हुए हैं, बखूबी दर्शाए हुए हैं यार वाकई में। ये देखो रावण, यहाँ पे रावण दर्शाए हुए हैं, और लिखा है हनुमान लंका दहन, जबरदस्त। ये है हनुमान जी, देखो बेहतरीन। और यहाँ पर है रावण, इनकी भी मुंडी हिल रही है भाई। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आई थिंक हाँ और बचा है कि खत्म हो गया, देखते हैं भाई। अच्छा बचा है यार, क्या बात है। राम रावण युद्ध, अच्छा यहाँ पे राम रावण युद्ध दर्शाया हुआ है। यहाँ पे राम भगवान जी बाण मारते हैं रावण को, और रावण नीचे गिर जाते हैं, ये दर्शाए हुए हैं। और वहाँ पे बजरंगबली जी हैं, देखो हनुमान जी, और यहाँ पे लिखा है राम रावण युद्ध। ये है रावण, ये देखो इस तरह से मूवमेंट करते हुए। अब गांव है तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि लोग आते नहीं हैं, अभी रात के 9:30 रखे हैं गाइस। तो यहाँ पर है राम दरबार, तो यहाँ पे राम भगवान सीता मैया और हनुमान जी को दर्शाए हुए हैं। ये देखो हनुमान जी उनके भक्त, और यहाँ पे सीता मैया, बहुत प्यारा लग रहा है वाला। और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखो हम फिर से बाहर निकल गए, यहीं से हम अंदर घुसे हुए थे, और आपको फिर से हम दिखा देते हैं। ये देखो राक्षस बना हुआ है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग पे।